गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, इट इज योर मैथ्स पीरियड। आई विल टीच एक्सरसाइज 7.3। आज मैं आपको 7.3 के क्वेश्चंस समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से वीडियो को वॉच करिएगा, क्वेश्चंस को समझिएगा, उसके बाद आप अपनी कॉपी पर उसको लगाइए। देखिए, कॉपी में डेट डालिएगा 2/11/20, 2 नवंबर 20, क्लास वर्क और एक्सरसाइज एक ब्लैक पेज डालना है। EXERCISE एक्सरसाइज 7.3 ये एक्सरसाइज डालना है। इसके बाद यहाँ पर लिखना है मल्टीप्लाई, MULTIPLY मल्टीप्लाई, ठीक। इसके बाद पहला क्वेश्चन आपका है, क्या है देखिए, जैसे 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इनका मल्टीप्लाई बहुत सरल है, 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक। 0 में 0 से करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल 6 यहां पर आएगा। लेकिन अब यहां पर आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगाना है यहां पर कितने नंबर के पहले पॉइंट है, 1 नंबर के पहले पॉइंट है। यहां पर कितने नंबर के पहले पॉइंट है, यहां भी 1 नंबर के पहले पॉइंट है, ठीक। इन दोनों को प्लस कर दिया, कितना हो गया 2। तो हमें यहां पर कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, 2 नंबर के पहले पॉइंट लगाना है। कितने नंबर के पहले, 2 नंबर के पहले पॉइंट लगाना है। एक नंबर ये दिया गया है और दूसरा नंबर यहां पर ले लेंगे, पीछे नहीं बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। उस तरफ की ओर 0 नहीं बढ़ाएंगे, इस तरफ की ओर 0 बढ़ाएंगे। 1 और 2 नंबर हो गए, अब यहां 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा दें, ठीक। बात समझ आ गई, सबको ध्यान आ गया। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 2.3 मल्टीप्लाइड बाय 3.8, ठीक। अब 2.3 में 3.8 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। पहले 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, तो 8 का टेबल पढ़ेंगे इसकी बार, 8 3 जा 24 की 4 2 कैरी लगी, 8 2 जा 16, 16 में 2 कैरी प्लस लगा दी तो आ गया 18। अब 3 से करेंगे, मुझे एक क्रॉस लगाना पड़ेगा, 3 से 3 में मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। अब इन दोनों नंबरों को हम प्लस कर लेंगे, 4 98 प्लस किया 98 17 की 7 1 कैरी लगे 6 1 7 7 1 8 ये हो गया। अब यहां पर आपको पॉइंट लगाना है, क्वेश्चन में 1 के पहले यहां पर लगा है, 1 के पहले यहां लगा है, इन दोनों को जोड़ दिया, कितना आया 1 1 प्लस हो गया, तो कितना हो गया 2 हो गया। तो 2 नंबर के पहले यहां पर पॉइंट लगा है, तो ध्यान आ गया, बात समझ आ गई। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर, नंबर क्वेश्चन है 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.7, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अब देखिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 7 5 जा 35 की 5 3 कैरी ले गई, 7 2 जा 14, 14 में 3 कैरी प्लस कर दी तो कितना हो गया 17, 175 हो गया। और यहाँ पर देखिए कितने नंबर के पहले पॉइंट लगा है, यहाँ पर 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा है, यहाँ पर 1 नंबर के पहले पॉइंट लगा है, इन दोनों को आपस में प्लस कर दिया, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया। तो आंसर में हमें 3 नंबर के पहले पॉइंट लगाना होगा, ठीक, सबको समझ आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर देखिए, फोर नंबर में है 6.23 मल्टीप्लाई 1.7, ठीक। 6.23 से 1.7 में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 7 का 3 मल्टीप्लाई किया, 7 3 जा 21 आया, 21 में 1
अब इसके बाद देखिए 1 से मल्टीप्लाई किया 133 122 166 कितना हो गया 150 6 में 3 प्लस किया 9 3 में 2 प्लस किया 5 4 में 10 प्लस किया 6 में 4 प्लस किया 10 1 2 नंबर के बाद यहां लगा है 1 नंबर के बाद यहां लगा है 2 और कितने हो गए 3 हो तो 3 नंबर से पहले यहां पर 2 लगा दिया ठीक सबको ध्यान आ गया अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 5 अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है
6 3। 2 नंबर के बाद लगाया, 2 नंबर के बाद लगाया, तो आंसर में 3 नंबर के बाद यहां पॉइंट लग जाएगा। ठीक, सबको समझ आ गया। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं, ध्यान से देखिए। तो कौन से क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, होमवर्क में क्वेश्चंस करने हैं आपको। एसडब्ल्यू है क्वेश्चन नंबर 11, 17.88 मल्टीप्लाइड बाय 0.51। वन नंबर क्वेश्चन है 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 0.03। 13 नंबर क्वेश्चन है 4.003 मल्टीप्लाइड बाय 0.53। 14 नंबर क्वेश्चन है 2.432 मल्टीप्लाइड बाय 4.23। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका 4.01। ये 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।